पिछली वीडियो में दोस्तों आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले जिसमें आपने चाइनीज कैलेंडर के बारे में पूछा कि चाइनीज कैलेंडर आखिर कैसे काम करता है, गर्भ में शिशु लड़का है या फिर लड़की होने का इससे कैसे पता चलता है, इस बारे में वीडियो बनाइए। तो आज की ये वीडियो चाइनीज कैलेंडर के ऊपर ही मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो चाइनीज कैलेंडर है इस पे भी आप 100% विश्वास ना करिएगा कि चाइनीज कैलेंडर आपको 100% सही रिजल्ट देगा। लेकिन हाँ, इस बात से भी मना ही नहीं है, भारत के अलावा बहुत सारे देशों में चाइनीज कैलेंडर से जेंडर प्रेडिक्शंस को देखा जाता है। तो चाइनीज कैलेंडर से दोस्तों कैसे गर्भ में शिशु लड़का या फिर लड़की होने के बारे में बतलाया जाता है, अगर आपने ये कैलेंडर देखा है, आप कंफ्यूजन में है कि किस तरीके से इस कैलेंडर को रीड किया जाता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली हूँ। आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में शिशु लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकती है, तो जानने के लिए ये रोचक वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा, स्वागत है प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन की इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे ये चाइनीज जेंडर चार्ट देख सकते हैं, जिसमें कि कुछ साइंस आपको बॉय और गर्ल्स के ब्लू या फिर पिंक में दिख रहे हैं, और ये जो वर्टिकली और हॉरिजेंटल लाइन है इसके साइड में आपको माँ की उम्र और ऊपरी साइड में गर्भ धारण करने का महीना बताया गया है। तो अब सबसे मेन बात यही आती है कि इसमें माँ की उम्र को किस तरीके से आंका जाता है, क्या इसमें कैलकुलेशन की जाती है और गर्भ धारण करने का कौन सा महीना होता है चाइनीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो यही बात सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि ये चाइनीज कैलेंडर आखिर होता क्या है, कैसे वर्क करता है, हमारी कैलकुलेशन इससे कैसे डिफर हो सकती है। जो चाइनीज कैलेंडर होते हैं ये चंद्रमा की चाल पर डिपेंड करते हैं, उसके हिसाब से ये चाइनीज कैलेंडर होते हैं। ये चाइनीज कैलेंडर दोस्तों लगभग 4600 साल पुराना है, जबकि जो कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं ये ग्रीगोरियन कैलेंडर होता है, जिसमें कि 12 महीने होते हैं जैसा आपको पता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और हमारे कैलेंडर में लगभग 30 या फिर 31 दिन महीने में होते हैं, और ये सूर्य की चाल पर काम करता है, जबकि चाइनीज कैलेंडर मैंने बताया आपको कि ये चंद्रमा की चाल पर काम करता है। चाइनीज कैलेंडर जो होता है दोस्तों उसमें या फिर 12 महीने हो सकते हैं या फिर 13 महीने भी हो सकते हैं, और इसमें हर महीने या तो फिर कभी 28 दिन होंगे या फिर कभी 30 दिन हो सकते हैं। इस तरीके से इसमें लीप ईयर बार बार आता रहता है, और जो कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं उसमें आपको पता ही है कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। तो ये बताना क्यों जरूरी था, ये इसलिए जरूरी था क्योंकि जो आप चाइनीज जेंडर चार्ट यूज करेंगे उसमें आपको चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से ही अपनी एज डालनी पड़ेगी और अपना कंसेप्शन मंथ डालना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए, एज क्या होती है कि चाइनीज लूनर कैलेंडर होता है उसमें हमें अपनी डेट को कन्वर्ट कर लेना होता है, और चाइनीज कैलेंडर में होता क्या है कि एक साल आपकी उम्र में और जोड़ दिया जाता है तब आपकी चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से एज निकल जाती है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो कैलेंडर होता है वो 365 दिन का होता है, चाइनीज जो कैलेंडर होता है वो लगभग 355 या फिर 356 या फिर 354 दिन का हो सकता है। इस वजह से उसमें दिन कम होते हैं, दिन कम होने की वजह से उसमें हमारी एज एक साल ज्यादा निकल के आ सकती है। अब आपको एज निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप 25 साल की हैं तो उसमें एक साल ऐड कर दीजिएगा। 26वें साल का जो चाइनीज कैलेंडर होगा उसके हिसाब से ही आपको चार्ट देखना है। बात करते हैं अब कंसेप्शन मंथ की। तो कंसेप्शन मंथ के लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट शो कर रही हूँ जो कि कन्वर्जन मंथ बताएगा आपका, कि आपका अगर यहाँ पे कंसेप्शन मंथ अक्टूबर रहा है तो चाइनीज लूनर कैलेंडर में आपका कन्वर्ट करके कौन सा मंथ निकलने वाला है और उसका क्या डेट निकलेगा। तो उसके लिए ये चार्ट जैसा आप देख सकते हैं, इस चार्ट को आप फॉलो कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आप अपने कंसेप्शन मंथ को निकाल सकते हैं। कंसेप्शन मंथ वही होगा जिस टाइम पे आपने कंसीव किया है, तो लगभग वो मंथ तो हर किसी को याद होता है, तो वो मंथ आपको देख लेना है, उसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो मैं आपको आगे बता रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे दोस्तों 2023 का ये ग्रीगोरियन से लूनर कैलेंडर कन्वर्जन किस तरीके से किया जाता है देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीली पट्टी जिसमें कि हमारी ग्रीगोरियन डेट्स लिखी हैं 1 से लेकर 31 तक की, और अगर आप नीचे की साइड देखेंगे तो मंथ लिखे हुए हैं, ठीक इसके आगे लूनर डेट लिखी भी है, और ये जो आपको छोटे छोटे ग्रे कलर के डब्बे आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं ये चाइनीज मंथ होंगे। मान लेते हैं कि 15 फरवरी को आपने कंसीव किया था, तो 15 फरवरी को अगर आपने कंसीव किया है तो इसे कन्वर्ट करने के लिए आप अपने ग्रीगोरियन कैलेंडर में 15 की डेट में ठीक नीचे आ जाइए लाइन में, और फरवरी के महीने में से आप इसे मिलान करेंगे तो ये जो है आगे चल के 24 की डेट दे रहा है, और ये जो मंथ आपको दिख रहा है यहाँ पे ये
सेकेंड लूनर मंथ होगा, यानी कि चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से दूसरे महीने की 24 तारीख को आपने कंसीव किया है। तो इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो इस कन्वर्जन डेट के ऊपर लेके आऊंगी ताकि आपको आसानी से क्लियर भी हो जाए। तो अब आपको यहाँ पे अपना कंसीविंग मंथ भी पता चल गया है। अब आपको क्या करना है, अब आप जैसा ये तीसरा चार्ट देख सकते हैं जो कि मेन चार्ट है जिससे कि बॉय और गर्ल के बारे में बताया जाता है। तो ये चार्ट आप गूगल से भी देख सकते हैं या फिर मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, आप इस चार्ट को देख लीजिए। इसमें आपको देखिए कि जो हॉरिजेंटल लाइन है इसमें आपको अपना कंसेप्शन मंथ देख लेना है कौन सा है चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि 15 फरवरी को जो मैंने कन्वर्ट किया था वो दूसरे महीने की 24 तारीख को निकला था, लेकिन जरूरी नहीं कि फरवरी का महीना दूसरा है तो वो दूसरा ही मंथ दिखाए। कभी कभी ये मंथ जो है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चेंज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हॉरिजेंटली अपना कंसीविंग मंथ डाल लेना है और आपकी एज जैसा मैंने आपको बताया था एक साल आपको बढ़ा के डाल देनी है। तो अगर आपकी एज 26 साल की है तो आप 27 साल की एज वाला जो वर्टिकल लाइन है 27 साल की उससे लेते हुए अपने कंसीविंग मंथ से आप इसको अच्छे से मिलान कर लीजिए। मिलान करने में जो भी आपको पॉइंट मिलता है, अगर वहां पे गर्ल का साइन बना है या फिर बॉय का साइन बना है, वही जो है चाइनीज जेंडर प्रिडिक्शन होता है कि आपका बॉय होगा या फिर गर्ल। तो मैंने कभी इस चाइनीज कैलेंडर को अपने लिए यूज नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूंगी, मेरे बच्चे के टाइम पे ये चाइनीज कैलेंडर सही काम किया है या फिर नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी अगर आप लोग के ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे। तो होप सो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये चाइनीज कैलेंडर आखिर किस तरीके से बेबी गर्ल और बेबी बॉय के बारे में बताता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।